हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी तो जो पार्ट टू है फैमिली प्लानिंग मेथड का वीडियो उसमें मैंने बतलाया था पैचेस विजाइनल रिंग एंड इंट्राट्रैन डिवाइस जैसे कि आईयूडी भी कहते हैं एंड फर्स्ट फैमिली प्लानिंग का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि टेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं दैट आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इम इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेज विजाइनल रिंग इंट्राउट्रैन डिवाइस तो आज जो मैं वीडियो में बताऊंगी दैट इज डायफ्राम एंड क्वम एंड कैलेंडर मेथड एंड और रिदम मेथड ठीक है एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड ट्यूबिक्टमी एंड वेसक्टमी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो डायफ्राम एंड कॉन्डम तो ये जो है सेवंथ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में बता रही हूँ तो पहले देखते हैं डायफ्राम ठीक है तो डायफ्राम को ही हम लोग कैप भी कहते हैं डायफ्राम एंड कैप ये दोनों जो है वो एक है ठीक है तो आप लोग पहले इसका एक फोटो देख लीजिए कि डायफ्राम और कैप देखने में कैसा होता है तो नाउ इट इज अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन तो डायफ्राम है वो बैरियर मेथड है मतलब कि एक तरह से ये बैरियर को बैरियर लाता है इन बिटवीन अस्पम एंड एग मीटिंग ठीक है तो बैरियर मेथड इसीलिए से कहा गया है प्लेस्ड ओवर सर्विक्स विद अस्पर्मी साइड लैट बिफोर सेक्स एंड लेफ्ट इन प्लेस फॉर एटलीस्ट सिक्स आवर्स आफ्टर सेक्स तो ये जो कैप होता है जो डायफ्राम होता है उसे यूज करने के लिए ठीक है इसका जो कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले इसे uh, जो वियर करना होगा वो बिफोर सेक्स करना होगा एंड आफ्टर सिक्स आवर्स आफ्टर सिक्स तक इसे बियर करना होगा ठीक है तो तभी ये क्या होगा इफेक्टिव हो पाएगा ठीक है तो ये जो स्पर्मी और लैटिक्स होता है ठीक है तो जब डायफ्राम होता है डायफ्राम के ऊपर स्पर्मी या लैटिक्स एक टाइप का बोल सकते हैं कि मटेरियल है जो कि किल करता है स्पम को स्पम को मारने में हेल्प करता है तो डायफ्राम के ऊपर में ये एस्परमिसाइड्स लगाकर उसके बाद में प्लेस करना होता है ओवर द सर्विक्स सर्विक्स के ठीक है ऊपर में इसे प्लेस करना होगा और उसके बाद में ये एज अ ये जो होगा वो वर्क करेगा इट कैन टेक टाइम टू लर्न हाउ टू यूज इट तो इसको प्लेस करने में समटाइम्स क्या होता है आ, कि इसका जो फिटिंग होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा अच्छे तरीके से होना चाहिए फिटिंग अदरवाइज़ इसका जो इफेक्टिवनेस होगा वो लूज हो सकता है तो इसका यूज़ करते समय समटाइम्स ज़्यादा टाइम लग सकता है वन वीक टू वीक लग सकता है इसे अच्छे से सीखने के लिए कि कैसे वियर किया जा सकता है साइड इफेक्ट्स फर्स्ट इज सिस्टाइसिस तो सिस्टाइसिस इसे वियर करने के बाद में इंफ्लामेशन हो सकता है ब्लाडर का सिस्टाइसिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लाडर इन्फ्लॉमेशन ऑफ ब्लॉडर इज नोन एज सिस्टाइसिस ठीक है तो ये एक साइड इफेक्ट इसका हो सकता है सेकंड uh, इसका साइड इफेक्ट है कि स्पर्मिसाइड्स कैन कॉज इरिटेशन तो जो स्पर्मिसाइड्स जो है वो इरिटेशन कॉज कर सकता है बोथ यू एंड योर पार्टनर दोनों के लिए किसी के लिए ये इरिटेशन भी हो सकता है ठीक है एमओ ए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कैसे काम करता है इट प्रिवेंट्स द स्पर्म पासिंग थ्रू द सर्विक्स ठीक है तो ये प्रिवेंट करता है तो इजली इस, है कि वो जो कैप लगा हुआ रहेगा उसके कारण जो स्पम है वो आ, एक से मिल नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा इट डजेंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एस तो ये जो मेथड है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन्स को आ, प्रोटेक्ट नहीं करता है उसे इससे बचाव नहीं कर पाता है कॉन्डम कॉन्डम जो है वो आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में नॉर्मली ये जो है वो किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है और ये जो है इनएक्सपेंसिव है मतलब कि ये बहुत ही इसका कॉस्ट कम है और ये इजिली अवेलेबल है मेडिकल स्टोर्स में विथ डिफरेंट फ्लेवर कर सकते हैं तो ये जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है और इट इज़ अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन तो ये भी क्या है एक बैरियर मेथड ऑफ़ कॉन्ट्रासेप्शन है इट इज़ इन एक्सपेंसिव डिस्पोजेबल एंड अवेलेबल विथाउट अ प्रिस्क्रिप्शन तो मैंने बताया कि इनएक्सपेंसिव है मतलब कि कम प्राइस में भी अवेलेबल है ताकि लो इनकम वाले मिडिल फैमिली को uh, इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं एंड विथाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मेडिकल स्टोर uh, पे जाने पे ये जो है वो ईजिली uh, अवेलेबल uh, हो जाता है मेड ऑफ लैटिक्स पोलियोरेथरीन आइसोप्रीन एंड आइसोप्रीन तो ये किस चीज़ से बना होता है तो ये लैटिक से बना होता है एक तरह से स्पर्मी साइड से बना होता है बहुत ही थिन लैटिक से बना होता है बहुत ही पतला लैटिक से बना होता है ठीक है और अदर जो जो मटेरियल होता है पोलीयूरेथिन पोली आइसोप्रीन है जिससे भी ये बना हुआ होता है इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एस टी आइस तो ये एक ऐसा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है एम ओ ए ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि कौन प्रिवेंट करता है एस टी आई को तो हमेशा एम सी क्यूज क्वेश्चन में या भाईवाह में पूछा जाता है ये ठीक है कि कौन सा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जो कि प्रिवेंट करता है एस टी आई को ठीक है uh, एम ओ ए इसका क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो इसका भी सेम मैकेनिज्म है कि ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी बाय स्टॉपिंग अ स्पम फ्रॉम मीटिंग एंड एग तो स्पर्म और एक मीटिंग को ये क्या प्रिवेंट करता है जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है रिस्क क्या है इट मे ब्रेक और स्लिप ऑफ ड्यूरिंग इंटर कोर्स एलाइंग अ स्पम टू ट्रैवल इन टू यूट्रस फेलोपियन ट्यूब विच कैन रिजल्ट इन प्रेगनेंसी हिन्स इट इज़ नाइनटी एट परसेंट इफेक्टिव तो समटाइम्स इसके यूज करते समय ये स्लिप ऑफ हो जाता है ये ब्रेक हो जाता है जिस कारण से जो स्पम होता है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाता है एक का और फर्टिलाइजेशन हो जाता है जिस कारण प्रेग्नेंसी हो जाती है ठीक है तो इस कारण से इसका इफेक्टिवनेस है दैट इज़ 98 परसेंट इफेक्टिव लेकिन अगर इसे सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड है कॉन्ट्राशेप्शन का, का, का और जो कि क्या है एस uh, को भी प्रिवेंट करता है तो uh, ये था कॉन्डम्स के बारे में अब हम लोग देखते हैं कैलेंडर मेथड और रिदम मेथड कैलेंडर मेथड और रिदम मेथड तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड तो चूंकि इस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज नहीं होता है इसलिए इसे एक तरह से नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड के अंतर्गत भी रख, रख सकते हैं ठीक है मॉडर्न अप्रोच इस टू यूज़ इट इज़ अ स्टैंडर्ड डेज मेथड तो इसे कैलेंडर मेथड या बोले रिदम मेथड को समझने के लिए स्टैंडर्ड डेज मेथड को हम लोगों को अप्रोच करना होगा तभी इसे हम लोग सही तरीके से यूज कर पाएंगे तो स्टैंडर्ड डेज मेथड में मेनली क्या होता है उसमें ट्रैक योर मेंस्ट्रुअल उसमें हम लोग कर सकते हैं ट्रैक मिन्स्ट्रल हिस्ट्री डेज टू प्रिडिक्ट ओबिलेशन डे तो जो भी हम लोगों का मिंस्ट्रल साइकिल होता है जो कि नॉर्मल मिंस्ट्रल साइकिल माना गया है कि 28 डेज का जो नॉर्मल मिन्स्ट्रल साइकिल होता है वो बेस्ट मिन्स्ट्रल साइकिल डेज होता है ठीक है अट्ठाईस दिन का जो अंतर होता है मंस्ट्रल uh, का वो साइकिल का वो बहुत ही बेस्ट हो माना गया है तो uh, इसमें हम लोगों को क्या करना होगा कि जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है जो मेंस्ट्रुअल डेज है उसको प्रिडिक्ट करके एक ओबुलेशन डे प्रिडिक्ट करना होगा ओबुलेशन डे मतलब होता है वो डे जब हमारे बॉडी में जो अंडा होता है वो हमारे रिलीज होता है ओवरी से ठीक है अंडास से जब अंडा बाहर आता है तो उस उस दिन को ही ओबुलेशन डे कहते हैं तो ओबुलेशन डे का अनुमान लगाना इस कैलेंडर इस स्टैंडर्ड डेज मेथड में जरूरी होता है तभी हम लोग इस मेथड को अपना पाएंगे ठीक है बेस्ट इफ़ मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज इज 36 सॉरी ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी टू डेज तो अगर 26 से 32 दिन का अंतराल है मेंस्ट्रुअल साइकिल का तभी ये इफेक्टिव होगा अगर किसी कोई भी लेडीज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 35 दिन का है ज़्यादा मतलब कि लॉन्गर लॉन्ग long है या बहुत ज्यादा शॉर्ट है किसी का क्या होता है कि कम डेज में ही मेंसेस जो हैं बार बार रिपीट होती है या किसी का ज्यादा डेज में तो वैसे में ये इफेक्टिव नहीं होगा मेथड काउंट द डेज तो इसका यूज जो है हम लोग कैसे करेंगे कॉन्ट द डेज इन साइकिल कॉन्ट द डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकल स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड एज डे फर्स्ट तो जब भी मेंसेस स्टार्ट होती है जिस दिन ब्लीडिंग आता है उस दिन को हम लोग को कंसीडर करना होगा डे फर्स्ट उसे या तो नोट पैड में ये, या तो डायरी में या कैलेंडर में ही हम लोग नोट कर लेंगे कि वो फर्स्ट डे होगा ठीक है कंटिन्यू इस डे अंटिल नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट उसी तरह से फर्स्ट डे होगा फिर सेकंड डे आएगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इसी तरह से कंटिन्यू करना होगा जब तक तो कि नेक्स्ट साइकिल नेक्स्ट पीरियड ना आ जाए ठीक है तो ये याद रखना होगा इसे मेंशन करना होगा ठीक है अपने माइंड में रखना होगा या कहीं नोट करना होगा ऑन डे फर्स्ट टू सेवन और एक चीज़ इसमें है कि जो ओबुलेशन डे होता है ठीक है ये फोर्टीन डेज आफ्टर फर्स्ट ब्लीडिंग डे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल डे के बाद चौदहवा दिन माना जाता है कि ये ओवलिएशन डे होता है ठीक है तो आजकल ओवलिएशन डे को पता लगाने के लिए ओबुलेशन किट भी अवेलेबल है मार्केट में जिसे जिससे कि इजीली पता चल जाता है कि ओबुलेशन डेट कौन सा डेट है ठीक है तो उसके बाद में ये जो ओबुलेशन डे है वो जो है फोर्टीन डेज ही मेनली uh, माना गया है और ये फोर्टीन डेज का वन वीक बिफोर और वन वीक आफ्टर या फोर डेज बिफोर और फोर डेज आफ्टर ऐसा कंसिडर किया गया कि वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज होता है आगे देखते हैं कि क्या क्या इस स्टैंडर्ड डेज मेथड में कहा गया है तो ऑन डे फर्स्ट टू सेवन तो पहला जो डे है जिसे हम लोग ने कंसिडर किया था फर्स्ट ब्लीडिंग डे से स्टार्ट किया था फर्स्ट डे वहाँ से फर्स्ट से सेवन डेज़ ठीक है फर्स्ट से सेवन डेज को कंसीडर किया गया है नॉट कंसीडर्ड टू बी फर्टाइल डेज ठीक है तो वो कंसीडर्ड नहीं करता है फर्टाइल डेज का एंड कैन हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स दो मे हैव अ मिनसटल ब्लीडिंग दिस डेज तो चूंकि उसमें ब्लीडिंग मिन्स्टल ब्लीडिंग हो सकती है तो उसमें अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स uh, किया जाए तो उस समय जो होगी फर्टिलिटी की चांसेस ना के बराबर होगी ऑन डे एट टू नाइनटीन तो एट से 19 डेज के बीच में कंसिडर किया गया है दैट इज़ अ फर्टाइल डेज ठीक है तो ये याद रखना इसमें ज़रूरी होगा कि 8 टू 19 डेज जो हम लोग ने डेट को मेंशन किया है उसमें आठवा से लेके कर उन्नीस दिन माह तक कंसिडर किया है फर्टाइल डेज अगर इसमें अवॉइड नहीं किया गया अवॉइड नहीं किया गया अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो उस समय फर्टिलिटी उसमें कंसीव करने का चांस होगा वो ज़्यादा होगा ठीक है कंसीव करने का परसेंटेज ज़्यादा होता है ठीक है ऑन डेट ट्वेंटी टू एंड ऑफ साइकिल तो ट्वेंटी uh, डेज और एंड ऑफ साइकल जब तक खत्म ना हो जाए तो उस पीरियड को कंसिडर किया गया है नो लॉन्गर फर्टाइल तो वो भी फर्टाइल नहीं है वो फिर भी फर्टाइल डेज नहीं है एंड कैन हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो uh, अगर ट्वेंटी uh, से आपका एंड ऑफ द साइकिल तक जो हो गया वो भी क्या हो गया कि फर्टाइल डेज नहीं है और इसके बाद में जैसे ही इंड हो जाता है मैंस्ट्रल uh, साइकिल का और नेक्स्ट ब्लीडिंग डेज और नेक्स्ट मैंस्ट्रल साइकल डेज आ जाती है तो फिर से हम लोगों को कंसीडर करना होगा फर्स्ट ब्लीडिंग डे को हम लोग कंसीडर करेंगे फर्स्ट डे तो उसी तरह जो होगा रिपीट होता रहेगा तो दिस इज द कैलेंडर मेथड और रिदम मेथड तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ में इजली आ गया होगा क्योंकि ये जो मेथड है वो बहुत ही ईजली है और नेचुरल मेथड एक तरह से इसे माना गया है क्योंकि तो कोई भी डिवाइसेस को यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे ठीक है तो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई न्यू चैनल ब्लॉग दैट इज़ श्वेता पारिक ब्लॉग एंड उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों ने आप लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है उसे भी लाइक करें एंड माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ श्वेता पारिक ट्वेंटी फोर वहाँ पर भी आप लोग फॉलो करें थैंक्स फॉर वॉचिंग